हेलो फ्रेंड्स, देखो आयुष्मान खुराना को तो आप जानते होंगे। उनकी अभी तक वो बहुत सारी फैमिलीज मूवी बनाते थे जिससे लोग उनको और पसंद करते थे और उनसी मूवी देखना भी लोग पसंद करते, क्योंकि देखो फैमिली मूवी अक्सर लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और उसका उतना बजट भी नहीं होता था और आयुष्मान खुराना अच्छे खासे पैसे उस मूवी से कमा लेते थे। बट देखो पिछली मूवी जो उनकी आई थी चंडीगढ़ कर आशिकी, वो फ्लॉप हो गई थी, वो उतने पैसे नहीं कमा गई थी। तो देखो अभी उनकी एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है अनेक। सो अनेक ऐसा नाम दिया गया है, तो ऐसा कुछ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं देखने के लिए मिला। इसका ट्रेलर आया है और ट्रेलर करीबन 3 मिनट के आसपास का है, तो उतना कुछ खास चीज़ें मुझे देखने के लिए नहीं मिली। उसमें यही चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि देखो वो नॉर्थ इंडिया के कुछ आर्मी के ऑफिसर हैं जिसके उनको वहाँ पे काम दिया जाता है टाइगर सांगवान और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में समझौता कराने का। बट उसमें कुछ इशू हो जाता है जिससे डेवलप हो जाता है बहुत सारी चीज़ें, और नॉर्थ इंडिया जो कि बंगाल में साइड में है तो वहाँ पे ऐसा अलगावादी लोग रहते हैं जो काफ़ी उनके ग्रुप रहते हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ ग्रुप एक जॉनसन नाम का ग्रुप रहता है वो एक्टिव हो जाता है। सो इस बंदे को आप देख लो, शायद ये बंदा आपको लीडर के रूप में दिखे, जो जॉनसन का ग्रुप है उसका लीडर के रूप में देखने के लिए मिले, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसको उतना लुक थोड़ा सा ही देखने के लिए मिला, उतना खास देखने के लिए नहीं मिला। जैसा कि बोला जा रहा था कि आयुष्मान खुराना काफ़ी ज़्यादा एक्शन करते हुए देखने के लिए मिलेंगे, बट उतना एक्शन करते हुए देखने के लिए नहीं मिले। मेरे को 2-3 गन का सीन देखने के लिए मिला और थोड़ी बहुत चीज़ें और देखने के लिए मिली। सो एक अलग टाइप के थोड़ा स्टोरी को अलग तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका होता है। सो इसमें कुछ वही चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे अगर वो बोलते हैं एक जगह एक डायलॉग है कि अगर ऐसा हो कि हिंदी से लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं कहाँ का है, साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, ऐसा हो अगर कोई किसी से पूछता है तो वो बोले कि मैं इंडिया का हूँ तो कैसा रहेगा। और भी एक डायलॉग है, जीतेगा कौन, हिंदुस्तान। सो फाइनली आपको पता है एक आर्ट एरिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले करके इस मूवी को भी बनाया गया है। वैसे आपको बता दूं, इस मूवी को बनाने के पहले जिन्होंने बनाया है इस मूवी को, उन्होंने आर्टिकल 15 भी बनाया है, थप्पड़ भी बनाया है और मुल्क भी बनाया है, शायद वो सारी मूवीज़ आपने देखी हो, तो ऐसा मुझे लग रहा था यही सारे कॉन्सेप्ट होंगे। अब देखो उसमें कुछ और भी खास चीज़ें जो छुपा के रखी गई हो तो शायद कुछ बढ़िया और देखने के लिए मिल जाएगा। 27 मई को आ रहा है तो थिएटर में पता ही चल जाएगा। मुझे BGM उतना खास नहीं लगा, हाँ स्टोरी ठीक ठाक लग रही है कि कुछ अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की गई है। देखो अब कैसी होती है वो तो देखने से ही पता चलेगा मूवी। वैसे ट्रेलर जो था ठीक ठाक था, मॉडरेट टाइप, और शायद लोग देखना भी पसंद करें। वैसे आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, और क्या आप देखने जाएंगे। और देखो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस।